रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना भर्ती में आए हुए युवाओं ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे जाम किया। भर्ती में आए हुए युवाओं ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वहीं जाम के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जाम को खुलवाया है। हिमाचल वालों को, हिमाचल वालों को 8 मिनट का टाइम दिया गया और हरियाणा वाले ग्रुप को 6 मिनट का दिया गया। 2 मिनट की कटौती कर ली हमारी। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। हमें आर्मी से ही उम्मीद नहीं थी, हमारे साथ पक्षपात किया गया है, बिल्कुल 2 मिनट हमारी काट ली है, 2 मिनट हमारी काट ली है। हम तैयार है तुम्हारा फिजिकल देने के लिए। अगर हमें 8 मिनट का टाइम दिया जाए तो हम तुम्हारा फिजिकल देने के लिए तैयार है। विश्वास है, हमें विश्वास है। केवल हमारे ग्रुप में 20 बंदे पकड़े, 150 में से 20 पकड़े और पहले वाला जो ग्रुप था उसमें 150 में से 130 पकड़े। 130 कैसे पकड़ लिए? हमारे साथ रेस लगवा उस ग्रुप की तो हम माने। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। पिछले हमारी मांग है, हम कानून के तहत अपनी मांग रखने जा रहे हैं। ना कोई रोड प्रदान करेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारी मांग रखी जाए। हमारी यही दरख्वास्त है। 2 बजे से हम लाइन में खड़े हैं, 2 बजे से लाइन में खड़े। आप जाके हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। 5 मिनट 40 सेकंड में हमारे पास आ रहे हैं। 5 मिनट 40 सेकंड में रेस की तब भी जो हम 6 मिनट में सिर्फ 20 बंदों को पकड़ा है 150 में से, और पहले वाला जो ग्रुप था उसमें से 130 कैसे पकड़ लिए? उसमें से 130 कैसे पकड़ लिए? हमारी मेहनत चुप।